दोस्तों हम लोग आज इसमें पनीर फाड़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग रात का दूध बचा हुआ था उसको हम लोग पनीर बना रहे हैं। ये देखिए धीमी आंच में उबाल रहे हैं और ये देखिए फट के पनीर कुछ कुछ ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए पनीर बन रहा है। देखिए दोस्तों आप घर में भी पनीर बना सकते हैं, आप जो दूध बचा हो उसको ये चढ़ा दें चूल्हा में और उसको धीमी आंच से उसको पकाएं और आपका ये पनीर का जो पानी रहता है उसको भी डाल के आप बना सकते हैं। या तो आपके पास या खट्टा चीज़ जो नींबू हो उसको भी आप इसमें डाल के इसका पनीर निकाल सकते हैं और इसमें खट्टापन पनीर का पानी डालने के बाद उसको धीमी आंच में पकाएं और उबलने दें। उबलते उबलते उसका पनीर जो होता है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। देखिए आ रहा है, देख सकते हैं आप। और ये पनीर बन के आधे घंटे में ये बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा भी लगेगा, जो समय लगता है उबलने में लगेगा, उसके बाद ऊपर में पूरा आ जाएगा सारा पनीर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका जो पनीर का जो पानी होता है उसको हम लोग निकाल देंगे और निकालने के बाद पनीर हम लोग को पूरा अच्छी तरह से इसका जो लिक्विड होता है पानी होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से निकाल लेंगे और उसको भारी चीज़ से उसको अच्छी तरह से दबाएंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद खाइएगा तो अच्छा लगेगा। और पूरा पानी अच्छी तरह से नहीं निकालिएगा तो इसमें थोड़ा सा तीखापन ना थोड़ा खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप इसका पूरा पानी अच्छी तरह से ये सूती कपड़ा में डाल दें और अच्छी तरह से इसका पानी को निकाल दें और इसको बनाएं। और ये इसको अच्छी तरह से निकालने के बाद इसको देखिएगा आपका पनीर बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए पनीर डिश देख लीजिए।